सीट है ना, एक हमेशा कार को ना एक साइड में रखते हैं, एक रास्ते पे रखते हैं, ठीक है। तो आपकी कार बार बार राइट लेफ्ट भाग रही है, अगर आपकी कार राइट लेफ्ट भाग रही है तो थोड़ा सा स्पीड आपको कम चलाना चाहिए मैम, है ना। थोड़ा सा स्पीड आपको कम चलाना चाहिए, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना चाहिए। तो ज़्यादा रोल कर तो सीधे स्ट्रेट, और दोनों मेरे में आप देख सकते हो राइट लेफ्ट में, है ना। चलो और बड़ा मन कर स्पीड, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ आकाश कुमार, बाई प्रोफेशनल ट्रेनर गाइडिंग स्कूल एलपी में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? अभी हम फिर से निकले हैं एक नए स्टूडेंट साथ में, जिनके साथ में अभी मैं मैडम है। ट्रैफिक हालांकि ज़्यादा नहीं है, मॉर्निंग का टाइम है, प्रैक्टिस करने के लिए निकले हैं दोस्तों। मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि हमें टर्निंग टाइम पे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आज फिर से मैं बताऊंगा कि टर्निंग टाइम पे हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जो कि टर्निंग टाइम पे आपको दिक्कत है कार को टर्न करते वक्त ना ही। टर्निंग टाइम पे सबसे पहला पॉइंट, आपको किसी भी टर्न पे टर्न करना है राइट या लेफ्ट, आपको सिग्नल देना चाहिए करीब 50 से 70 मीटर पहले आपको सिग्नल देना चाहिए, या 100 मीटर कह लीजिए, स्पीड कम रखें, वहाँ की ट्रैफिक को देख करके आपको सिग्नल देना है। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक के पैर रख लेते हैं टर्निंग टाइम पे, अगर ज़्यादा स्पीड आपकी होगी तो हम लोग हल्का हल्का वहाँ पर ब्रेक टच करें, या फिर टर्निंग टाइम पर जैसे हमें घबराहट हो जाए कस के और एक्सीलेटर ना दबे तो इसलिए हम लोग ब्रेक के पैर देते हैं, अगर दबते हैं तो हमारा ब्रेक दबता है। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, अगर जिस साइड आपको टर्न करना राइट या लेफ्ट, तो उस साइड का मिरर देखना बहुत ही जरूरी है। मिरर देख करके फिर उसके बाद स्टेयरिंग को घुमाएं और फिर कार आपकी बहुत ही ईजी होगी। दोस्तों अभी हम लोग निकले, हम आप सबको बताएंगे कि हमें कैसे कार चलाना चाहिए टर्निंग टाइम पे, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको थोड़ा सा कम रखें यहाँ, उठ जाएंगे स्टेटिंग, उठ जाएंगे स्टेट, हम लोग कपड़ा हॉल करते हैं। कभी भी किसी भी वाहन के बगल से निकलो मैम, तो चाहे तो छोटा वाहन है या बड़ा वाहन है, तो उसको हॉर्न जरूर दे देते मैम, है ना। क्या बड़ा हॉर्न करते स्पीड, दोनों साइडों में देख करके फिर निकलेंगे। ब्रेक का पैर डाल लेना मैम, है ना, पैर आ गया ब्रेक का, बीच में चलाओ मैम, बीच में आप रास्ते से बाहर नहीं जाना आपको ना। जब भी कभी हम लोग ऐसे रास्ते पे कार को चलाएंगे तो एक लाइन में चलाएंगे, लाइन को बार बार चेंज नहीं करेंगे। अगर लाइन को भी चेंज करना है ना, तब भी आपको सिग्नल देना है मैम, ठीक है। संभालिएगा सिग्नल को, ये आपकी हल्की कार राइट से गई ना, स्टीयरिंग कंट्रोल तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा फोकस करना होगा मैम उस पर भी आपको, कोई बात नहीं हो जाएगा।
कम ही रखा था, हम लोग सीधे जाएंगे स्ट्रेट, है ना। अभी हम लोग आ गए हैं ये फन मॉल के पास में, ठीक है। हालांकि अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो इसलिए ट्रैफिक नहीं है। जबरा हॉस्टल का स्टेइंग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा मैम। ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे मैम, है ना। हम लोग चलो बड़ा तो मैम होगा स्पीड बहुत बड़े। आगे से मैम हम लोग लेफ्ट टर्न करने वाले हैं, लेफ्ट सिग्नल मार दीजिए मैम। ऊपर मार गया सिग्नल, कुछ भी नहीं करना, बस ये ब्रेक पैर क्लिक करके हम लेफ्ट टर्न करेंगे यहाँ पे। जाओ हल्का का बढ़ाते जाओ मैम स्पीड, हल्का का एक्सलेट करते रहेंगे। अगर आप एक्सलेट नहीं करोगे हल्का सा तो बहुत स्लो कार हो जाएगी, फिर आपकी कार चलेगी नहीं। और अगर जब ज़्यादा एक्सलेट होता है, जब ज़्यादा स्पीड होती है तो एक्सलेट नहीं करते ना। आगे से लेफ्ट टर्न करेंगे हम लोग, है ना। लेफ्ट करेंगे बढ़ाओ, आप सिग्नल क्यों दे रहे थे, आप कोई नहीं बढ़ाओ कर आप। तो लोग लेफ्ट साइड में ही है ना मैम, तो लोग कार लेफ्ट टर्न हो चुकी है ना, बस ब्रेक पैर रख लो मैम। अब घुमाओ अंकल का, और घुमाओ अंकल का, बस ठीक है, सीधा कर लो वापस। बढ़ाओ अंकल का स्पीड, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया, ये टर्निंग आपने मस्त किया मैम, सीधा कर लो वापस। हम लोग सीधा आगे जाएंगे तो वहां पे चल करके हम लोग रिवर्स पार्किंग की प्रैक्टिस करेंगे मैम। व्हाइट कलर की सिर्फ ब्रेक पैर लेना मैम। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड में कोई आएगा मैम, है ना। हालांकि अभी कोई आ नहीं रहा, बट रास्ता तो आपको अलर्ट होकर के फिर निकलना है। चलो और बनाओ मैम हल्का का स्पीड, चलो और बनाओ हल्का, बस आराम से सीधा करो, चलते करो सीधे स्ट्रीट। आराम से मैम स्टेक संभालिएगा थोड़ा सा,